आप सब कैसे आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे, वहीं हम जा रहे हैं। और तुशान बना रहा है अपने मामा जी के लिए केक, ये देखिए बिस्किट का, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बिस्किट तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बनाना स्टार्ट कर रहा है तुशान। तो यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े पैकेट ओरियो के बिस्किट के, जो कि निकाल लिए तुशान ने, पैकेट निकाल लिए तुशान ने। और अब इनकी क्रीम निकाल रहा है, क्रीम अलग कर लेनी है, निकाल लेनी है भाई बिस्किट की। भाई दोनों बच्चे में उस दिन खुशी ने केक बनाया और आज तुशान बना रहा है। इन्होंने शायद एक ही बार देखा था मुझे बनाते हुए, तभी सीख लिया। और अब ऐसा आ गया है, चाहे ये मैं ना भी देखूँ ना तो भी अपने आप बना लेती हूँ। उस दिन खुशी का मैंने नहीं देखा, उसने खुद से ही बना लिया सारी चीज़ें डाल के। यहाँ पे हमारे मैंने सारे बिस्किट्स की क्रीम निकाल ली और यहाँ पे रख दी है। अब इनको मिक्सी में पीसेंगे। मैंने 3 बिस्किट ओरियो के पीस लिए इसके अंदर जो मैंने निकाले थे। अब इसके अंदर हम दूध डाल दें। इसमें मैंने इतना का दूध लिया है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब हम इसके अंदर ये डाल लेंगे दूध को, इसके अंदर पहले हम थोड़ा डालते हैं और देख लेंगे कि अच्छे से बन गया है या नहीं। थोड़ा मिल्की सा हम इसके अंदर इतनी सी शुगर डाल देते हैं, बस बहुत ही है। और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा और मिल्क डाल दिया है हमने इस 3 बिस्किट के अंदर। हमने 1.5 कप मिल्क डाल दिया है। और अब ये थोड़ा और मिल्क मिलाएंगे अभी इसके अंदर। और अब इसमें लगा देंगे हम घी। घी ऐसे कैसे कर दें, पूरे बाउल पे लगा लें अच्छे से गरम करके। ये हमारा लग चुका है, और अब इसमें डाल देंगे, मिला देंगे हम इनो, पूरा डाल दें। 3 पैकेट ज़्यादा हो जाएगा, मिक्स कर देंगे। ये पहले डालना था तो तुशान ने पहले भूल गया डालना, पहले ही मिक्स कर लेना आप, तो इसीलिए अभी डाल रहे हैं। अच्छे से मिला दें, तो आप पहले मिक्स करके फिर बाउल में डाल लें। ये अच्छे से मिला लिया है, अब इसको ओवन में रखेंगे हम 5 से 6 मिनट। 6 मिनट पे हमने रख दिया ओवन में। मैं गई थी भाई छत पे धूप में बाल सुखाने के लिए। आज मेरा सारा काम होते होते शाम हो गई और धूप नीचे तो चली गई थी, तो इसलिए ऊपर गई थी। और अब मैं रेडी हो जाती हूँ। केक बन चुका है, ओवन से निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे निकाल कर। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी है यहाँ पे, और अभी हम रेडी हैं। तो शान जा चुका है अपने बैडमिंटन की क्लास में केक तैयार करके, और अभी हम निकलेंगे हैं खुशी। बस थोड़ा काम रहता है वो करके, और फोटो आपको इंस्टा पर देखने को मिलेंगी। आ गया, ठीक है बर्मा, चल ना, हो गए रेडी, सही, ठीक जा। रात होगी, जान जान करते करते सुबह आवांगे। सारा कर दिया है, देख लियो एक मैं, ठीक है, केक ले लो, दही भी जमा दी, खिचड़ी आपकी आवेगी बाजरे की, और भाई और बाकी सारा कर दिया। कौन ले आओगा सन्नी, देखा जाओगा और कौन आओगा। तो भैया आ चुके हैं घर, और मैं भी लेकर ना आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे, और रात हो गई, हम यहाँ आते आते बहुत लेट हो गया। लड्डू बर्थडे विश करो मामा जी को। थैंक यू लड्डू। तो भाई हम आ चुके हैं अभी घर, और इतनी आज सब ठंडी ठंडी हवा चल, बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब मोटी जैकेट पहने बैठा है। माँ किथे है? मम्मी उस कमरे में। माँ नमस्ते, रजाई में बढ़ रहे हो? ए बेटी अमन दस दिया मेरा वा में है, मेरी तो आसन हो रही। क्या हो गया? खांसी जुकाम जेरे तो लड्डू रे मारा जड्डा चढ़ गया मारा इतनी आवाज चल रही है आज। हमें चल रही है, बना रखी है बाजरे की खिचड़ी, ये देखो। और ये डाल ली है मम्मी की, मम्मी के लिए पहुंचा रही हूँ घर।
मम्मी ने खुशी के पापा से दी क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है बाजरे की खिचड़ी और रबाईदार है। देर उनके बना के ले आए थे तो खुश भी है। प्रीति कर रही है अभी डेकोरेशन केक की। अरे और सारे है फूट रहे हैं इनके बार बार। अब तक सारे फूट गए। सारे ही फूट रहे हैं। कई दिन के रखे हैं ये शायद है ना, पहले वाले रखे हैं तो रखे रखे भी ऐसे हो जाते हैं क्या। ज्यादा बड़े मत कर प्रीति। हाँ यो ज्यादा बड़ा बस छोटे कर इन गोल। भाई ये लेके आया भाई छोले भटूरे गरम गरम चाउमीन दही बल्ले निकाल रही है मम्मी। भाई कह रही है जल्दी जल्दी काले हमारे गुब्बारे फूटने लग रहे हैं सारे। खाने का डाल रही है केक बाद में कट करेंगे भाई हम। एक प्रीति ने बना रखा घर पे ही और ये बलून फुला रहे हैं बार बार फूट रहे हैं हमारे। पता नहीं क्या दिक्कत होगी। छीले हो गए माइया तो हमारे छोले भटूरे। ये देखो भाई चाउमीन का केक कट कर रहे हैं। चाउमीन का चाउमीन निकाली ना तो डब्बे में से केक बन रहा था। ये केक कट कर लिया मुझे तो ये केक कट कर रहे हैं देखो। खा लिया भाई चाउमीन। पहले मैंने खिचड़ी खिला दी थी वैसे लड्डू को। ये क्या कर रहे हो आप? तो भाई ये देखिए बलून फुला लिए हैं और ये डांस करवा रहे हैं। ये कठपुतलियों का डांस चल रहा है भाई। कठपुतली की मूवी देख रहे। और भाई तीन पैकेट में से इतने बलून फूले हमारे सारे फूट गए पता नहीं कैसे। तो ये मासी और बेटी ऐसी बड़ी बैठी है जैसे इन्हीं का केक कट रहा है। दोनों तो सेम सेम हो रही है और दोनों दो दो केक धर के बैठी है। बता ए मेरा भाई का बर्थडे विष्णु इधर बिठा रहा है। ये हो चुकी है हमारी डेकोरेशन कंप्लीट। हैप्पी बर्थडे विष्णु। तो अभी केक कट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे क्यों बिठा दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी बड्डी। हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु। इतनी चीजें खा लेगा विष्णु। कितनी चॉकलेट खाएगा ना। चॉकलेट है चॉकलेट होगी विष्णु।
बज चुके हैं रात के 12, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो 12 बज चुके हैं और अभी हो गई हमारी पार्टी ख़त्म। सबने डांस किया, बहुत मस्ती करी, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा हो गया गला ख़राब, मैंने अभी बनाई है चाय। और अभी सब लोग को करती हूँ यही पेंट भाई के बर्थडे के ब्लॉग को। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं जल्दी आपसे एक न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।